फॉर दिस डिजीज़ एक बार फिर से न्यूज़ में है हर साल ये बार बार कवर होता है इन द हिंदू तो अगर आप एक पुराने एस्परेंट हैं जो जो अटेम्प दे चुके हैं सो यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस डिजीज़ इन ग्रेट डिटेल और अगर आपको नहीं पता देन मे बी यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर प्रॉपरली और अगर आप नए एस्परेंट हैं दैन दिस इज़ द डिजीज़ दैट यू नीड टू नो इन डिटेल अबाउट ऑल्सो इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड और इस डिजीज़ की डिटेल्स आपको ओवरवेलम करती है बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड बी नोइंग एवरीथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम अबाउट दिस डिजीज़ सो लेट स्टडी कायनासूर फॉरेस्ट डिजीज इन डिटेल अब देखिए जो कायनासूर फॉरेस्ट डिजीज है इसका जो नाम है दैट इज डिराइव्ड फ्राम क्या सनूर फॉरेस्ट एरिया विच इज़ इन शिव मोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका वहाँ से ये शुरू हुआ और उसके बाद अगर हम इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस देखें सो दे आर एंडमिक एंड दे आर एंडमिक टू वेस्टर्न घाट्स प्राइमरिली इन द कर्नाटका रिजन ठीक है कर्नाटका रीजन में स्पेशली वेस्टर्न और सेंट्रल कर्नाटका रिजन में इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस मिलते हैं and they are majorly found during the dry season that is November to June. ठीक है so ये है अब ये होता कैसे है सबसे पहले चीज जो आपको जाननी है that it is a viral disease. It is a viral infection. ठीक है अब ये viral disease है अब जो virus है वो infect करता है ticks को ठीक है और काय कायसनूर फॉरेस्ट डिजीज़ के केस में ये जो टिक्स होती हैं दीज आर हार्ड टिक्स विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ लाइक बेबी ऑसिस लाइन डिजीज़ ठीक है उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं खैर हार्ट टिक्स की वजह से ये फैलता है राइट right? अब ये जो हार्ट टिक्स हैं ये काटती हैं प्राइमेट्स को जैसे कि मंकीज़ को जैसे कि ह्यूमंस को और उनमें ये डिज़ीज़ फैल जाता है सो इट इज़ अ वायरल डिजीज वेक्टर्स जो होते हैं वो हैं हार्ट टिक्स ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है हार्ट टिक्स वेक्टर है और वायरल डिजीज है अब ये ह्यूमंस को अगर कोई इन्फेक्टेड टिक है उसने ह्यूमंस को काटा तो ऑब्वियसली ह्यूमन को भी बीमारी हो जाएगी मंकी को काटा तो मंकी को भी बीमारी हो जाएगी राइट right? अब इसमें ह्यूमंस में रिसेंटली ये न्यूज में से बिकॉज वी हैव रिपोर्टेड डेथ्स ड्यू टू दिस ठीक है तो अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता ह्यूमन्स को कैसे मिल रहा है ये डिजीज़ जैसे जो लोग हैं जो बाहर काम करते हैं जैसे वो जैसे अगर आप हर्ड्स हर्डर्स की बात करो या जो फॉरेस्ट uh, में काम करते हैं है ना जो लोग बाहर काम करते हैं ना अगर इन्फेक्टेड टिक uh, को उसने काट लिया उस ह्यूमन को तो उनको हो जाएगा या फिर इफ़ दैट ह्यूमन काम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ मंकी ठीक है इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ मंकी हुट रिसेंटली डाइट बिकॉज ऑफ दिस का uh, क्या स नूर फॉरेस्ट डिसीजेस के एफ डी तो उससे भी हो सकता है बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता क्योंकि ये मंकी से भी इतना फैलता है तो इसको मंकी फीवर भी कहा जाता है लाइक like, राइट right, तो ये है अब सो दैट इज़ इट है ना ये कैसे आता है वो आपको पता चल गया अब ये करता क्या है इट कॉज एक्यूट क्यूट फेब्राइल हेमोरेजिक डिजीज ठीक है एक्यूट फेब्राइल हेमोरेजिक डिजीज एक्यूट का मतलब होता है जो सडनली डेवलप हो फेब्राइल फीवर कॉज करता है ये हेमोरेजिक ज़्यादा देर तक रहता है तो ब्लीडिंग भी कॉज करता है ठीक है और उसकी वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाती है डेथ्स मोस्टली थ्री टू फाइव परसेंट केसेज में ही होती हैं फेटल ये थ्री टू फाइव परसेंट केसेज में ही है मोस्टली जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको फ़ीवर होता है जी uh, सिम्टम्स होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स जैसे वॉमिटिंग वगैरह होती है कई कई केसेस में ब्लीडिंग भी होती है से ठीक ठीक है है में और इस आर्टिकल में भी अगर आप देखेंगे ना मोर और लेस आपको यही बताया गया है उसके बाद इसका डायग्नोसिस कैसे होता है दैट इज थ्रू अ ब्लड टेस्ट ठीक है ब्लड टेस्ट लाइक पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अगर आपको जल्दी करना है कन्फर्म uh, करना है तो एलाइजा दैट इज़ इम्यून लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असें एग्जैक्टली ये कहाँ पे एड्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं वायरल डिजीजेस में हम इन्हीं से डायग्नोसिस uh, करते हैं तो ब्लड टेस्ट uh, करते हैं पीसीआर करते हैं या एलाइजा करते हैं राइट right? और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जैसे ही आपको बाइट किया एक टिक ने जो कि इन्फेक्टेड थी या फिर यू केम इन कॉन्टैक्ट विद अ मंकी तो आपको ये हो जाएगा विद इन थ्री टू एट डेज़ ठीक है थ्री टू एट डेज देन बिकम्स इट्स इंक्यूबेशन पीरियड राइट सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसके बाद ना अब इसका इलाज कुछ नहीं है जैसे ना जो सिम्टम्स हैं हम उसे ही ट्रीट ती, करते हैं और एस, इस थेरेपी को ना सपोर्टिव ट्रीटमेंट uh, भी कहा जाता है मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है सपोर्टिव ट्रीटमेंट है ठीक है अगर आपको फीवर हुआ है तो आप पैरासिटामोलोलोलो दे देंगे ठीक है ब्लीडिंग सिम्टम्स है तो उनको रोकने के लिए आप कुछ काम करेंगे जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट्स वगैरह भी दे दिए जाते हैं राइट सो ऑल ऑफ दोज सिम्टम्स तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है इसका देन प्रिवेंशन है जी हाँ बिल्कुल आपके uh, जो के एफ डी है ना उसके लिए एक वैक्सीन है ठीक है वी हैव अ वैक्सीन फॉर दिस विच इज़ अ फॉर्मुलिन इन एक्टिवेटेड यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ सो वी हैव अ फॉर्मुलिन एक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड के एफ डी वी ठीक है विच इज़ कैसे नोर फॉरेस्ट डिजीज वैक्सीन वो वैक्सीन एग्जिस्ट करता है बट वो प्रिवेंटिव है ठीक है प्रिवेंटिव का मतलब है कि आप अगर इस एरिया में जा रहे हो कर्नाटका के एरिया में जा रहे हो तो आप ये लगा के जाओगे है ना और उसके बाद आ, आ, अगर सो दिस माइट हेल्प यू इन नॉट गेटिंग द डिज़ीज़ बट एक बार बीमारी हो जाती है फिर कोई भी फिर कोई इलाज नहीं है फिर आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही करते हो तो प्रिवेंशन के लिए ये दिया जाता है प्रिवेंशन के लिए ना आपको रेपेलेंट्स दिए जाते हैं ठीक है जिससे टिक आपके आ, जो है नज़दीक नहीं आएगी ठीक है सो दैट इज़ अनदर थिंग दैट कैन हेल्प यू इन प्रिवेंटिंग द डिज़ीज़ एंड लाइक आई सेड दैट इट 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 इज़ मोस्ट प्रेविलेंट

इसको ना आप एपिडेमिक से लिंक कर सकते हो जैसे एपिडेमिक होता है एक बीमारी जो फैल गई है अमंगस्ट ह्यूमंस एपिजुआटिक होता है जो एक बीमारी फैल गई है अमंग्स एनिमल्स एपिजुआटिक है और प्लस ये जूनॉटिक है जूनऑटिक का मतलब होता है जो बीमारी हमें एनिमल से मिलती है तो ये हमें टिक्स से मिली है ये हमें मंकीज से मिली है तो इस वजह से इसको एपिजुआटिक और जूनाटिक दोनों कहा जाता है और मोस्ट प्रेवलेंट ये कर्नाटका में है लेकिन सदरन uh, कर्नाटका में ये मिला था विच जस्ट बॉर्डर्स द तमिलनाडु स्टेट तो तमिलनाडु में भी कुछ केसेज मिलते हैं कुछ केसेज आपको गोवा में भी मतलब इंटायर वेस्टर्न घाट इज़ इम्पैक्टेड बाई इट बट हाँ अगर हमें एक स्टेट पर पिन पॉइंट करना है सो दैट इज़ कर्नाटका सो दैट इज़ अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो ऑफ ठीक है सो अगेन आई एम रिपीटिंग होता कैसे है वायरल डिजीज़ है फैलता कैसे है टिक्स वायरस टिक्स को इम्पैक्ट इन्फेक्ट करेगा और एक बार एक टिक इन्फेक्ट हो गई ना फिर वो थ्रू आउट लाइफ इसका वैक्टर एक्ट करती है फिर वो थ्रू आउट लाइफ जितनी भी टिक्की लाइफ है उस लाइफ में अगर वो किसी को काटेगी किसी भी ह्यूमन को या मंकी को काटेगी तो उसको ये बीमारी हो जाएगी प्राइमेट्स को इन्फेक्ट करती है रॉडेंट्स श्रूज में भी ये मिलती है लेकिन ह्यूम्स में सबसे ज़्यादा या तो इन्फेक्टेड टिक के बाइट से होगा या फिर मंकी से अगर हम देखें तो कांटेक्ट करने में होगा बाकी ये गोट्स वगैरह को भी इम्पैक्ट करती है लेकिन गोट से हमें नहीं होता कुछ ठीक है अगर हम गोट का मिल्क भी पी लें तो भी हमें ये बीमारी नहीं होती डॉक्यूमेंटेड नहीं है ठीक है सो दैट इज़ रिगार्डिंग योर क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज स्टार्टेड इन क्यासनूर फॉरेस्ट विच इज़ इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट शिव शिव मोगा डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर इट्स वाटरफॉल्स इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू बी इन बट वहाँ पर अगर आपको जाना है यू नीड टू प्रोटेक्ट योर